नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जिया किचन रेसिपी यूट्यूब चैनल और मैं घनश्याम चौरसिया आज आपके लिए मंचूरियन की रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा बिना स्किप किए, ताकि जो कुछ नई जानकारी या टिप्स हम बताएं उसका आप अपनी रेसिपी में अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमने 1 किलो गोभी ली थी, इसमें से हमने आधी काट ली है और उसको इस तरह से कद्दूकस करके रख लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब नमक और इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये थोड़ा नमक और मैंने डाल दिया, लगभग इसमें 1.5 चम्मच हमने नमक डाल दिया है और इसे हम अच्छे से हाथों से मिलाकर रख देंगे जब तक ये पानी नहीं छोड़ देती, और इसके बाद हम इसका पानी हम अलग कर लेंगे। तो चलिए ये 20 मिनट हो चुका है और अब हम देखते हैं कि इसने कितना पानी छोड़ा है। तो देखिए इस तरीके से आप इसे दबा दबा कर पानी निकाल दीजिएगा और इन्हें किसी एक अलग बर्तन में निकाल कर रख दीजिए। अच्छे से दबाइए, इसका पूरा पानी निकल जाना चाहिए। तो चलिए इस तरीके से आप पत्ता गोभी का पानी निकाल कर रख लीजिए। तो चलिए अब हमने पूरा पानी निचोड़ लिया है और अब हम इन्हें फैला लेते हैं हाथों से इस तरीके से। ये देखिए इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, एकदम पत्ता गोभी एकदम सूखी सूखी लग रही है। और अब हम दोस्तों इसमें डालते हैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट है और हरी मिर्ची है। इसमें हमने थोड़ा सा ये कटा हुआ प्याज डाल दिया है और ये थोड़ी सी हमने डाल दी इसमें शिमला मिर्च, और ये 1/2 चम्मच से भी कम हमने मिर्च पाउडर डाला है, और ये 1/2 चम्मच करीब हमने इसमें गरम मसाला, और दोस्तों हम 2 चम्मच इसमें ये मैदा डाल रहे हैं, और ये 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च है उसको भी हमने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसे हाथों से अच्छे से गूँथ लेंगे जिस तरह से हम आटा गूँथते हैं। और दोस्तों इसमें भी पानी का इस्तेमाल हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, और ये इसी से इसमें जो नमी है उसी से अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा, और बिल्कुल इससे आप अच्छे से इसे आटे की तरह गूँध लीजिए। और यदि आपको इसमें लगता है कि मैदा कम है, अगर ज़्यादा गीला अगर हो तो इसमें 1/2 चम्मच मैदा डालकर आप इसको गूँथ लीजिए। तो चलिए दोस्तों ये 3 से 4 मिनट हो गए और इन्हें अच्छे से इसे गूँथ लिया है और ये आटा जैसे गूँथ गया है। तो चलिए अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं। तो ये देखिए इतनी छोटी छोटी मैंने बॉल्स बनाई है, और अब हमने सभी के बॉल्स बना ली है और तेल में हम डाल देते हैं, और इस तरीके से हम सभी बॉल्स को इस तेल में डाल देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर गोल्डन होने तक हम इन्हें पकाएंगे। इनका कलर जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए जब तक हम पकाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों ये इनका कलर एकदम ब्राउन हो चुका है, गोल्डन एकदम आपको शानदार कलर दिख भी रहा होगा। और दोस्तों आपको ज़्यादा लाल नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि हमने इसमें किसी प्रकार का कलर नहीं डाला है। तो चलिए अब हम एक पैन ले लेते हैं। पैन में हमने डाल लिया थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और जैसे ही कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो जाता है, ये देखिए बहुत तेज़ गर्म हो चुका है पैन। और अब हम इसमें डाल देते हैं प्याज, हमने थोड़ा सा प्याज काट के डाल दिया है, और ये डाल दिए इसमें कटी हुई शिमला मिर्च, ये देखिए हमने थोड़ी सी शिमला मिर्च भी इसमें डाल दी है, और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, ये लगभग 1/2 चम्मच के करीब है, और उसे भी हमने डालकर इन्हें हम थोड़ी देर पैन में भून लेंगे अच्छे से। और अब हम इसमें डाल देते हैं पानी थोड़ा सा, ताकि ये जले नहीं, और आपको इनका कलर तो दिख ही रहा होगा चेंज हो चुका है, मतलब भून चुके हैं। और अब हमने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच के लगभग डार्क सोया सॉस, और ये है ग्रीन चिली सॉस, ये भी हमने अंदाज से डाला है, लगभग 1 चम्मच के करीब होगा, और ये 1 चम्मच करीब ये है रेड चिली सॉस भी हमने इसमें डाल दिया है, और 1 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं विनेगर, जो थोड़ा खट्टापन इसमें हमको देगा, थोड़ा चटपटा इसका टेस्ट आएगा। और अब हम इसमें डाल देते हैं ये
टमाटो सॉस लगभग 2 से 3 चम्मच हमने डाल दिया है अंदाज से, और अब हम इन्हें सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर इन्हें हम इसे भून लेते हैं इस तरीके से। और दोस्तों अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि सभी अच्छे से मिक्स हो जाए और हमें पता लगे कि ये ग्रेवी कैसी इसकी बन रही है, जो कलर भी ठीक ठाक दिख रहा है। और अब हम इसमें डाल देते हैं पानी, क्योंकि अब इसके अंदर हम मंचूरियन बॉल्स डालेंगे तो मंचूरियन बॉल्स भी पानी को एब्जॉर्ब करेंगी। और इसके अंदर फिर हम डालेंगे कॉर्न स्टार्च भी डालेंगे थोड़ा सा। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं मंचूरियन बॉल्स। दोस्तों ये 1/2 किलो गोभी की ये 23 बॉल्स बनी थी, और ये देखिए अब हमने इसमें डाल दी है और अब इसे थोड़ी देर हम पका लेते हैं। अब इसका जो ग्रेवी है थोड़ी कम हो रही है और गाढ़ी होती जा रही है, तो इस दौरान अब हम इसमें डालेंगे ये कॉर्न स्टार्च। हमने लगभग 1/2 चम्मच लिया था और पानी डाल दिया था और मिक्स कर लिया था, इससे थोड़ी और ठीक हो जाएगी और ये इसमें बाइंडिंग आ जाएगी ना, जो सभी मसाले हमने मिक्स किए हैं वो एक साथ अच्छे से जुड़ जाएंगे। और ये दोस्तों हमने इसमें डाला है ये मसाला, ये हमारे एरिया में तो बना बनाया मिल जाता है दुकानों पर, अगर उनसे कहें कि हमको मंचूरियन के लिए मसाला चाहिए तो वो मिल जाता है, सही प्रकार का मसाला मिल जाता है। और अब इसमें हमने डाल दिए हरी धनिया पत्ती, और दोस्तों ये मंचूरियन आपके लिए तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसे हम एक प्लेट में आपको सर्व करके दिखाते हैं। और दोस्तों आपको इसका कलर थोड़ा ये काला काला दिख रहा होगा, ये सोया सॉस की वजह से रहता है, और जो होटल वाले रेहड़ी वाले इसमें फूड कलर डालते हैं वो हम इसमें डाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों यदि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद अगर आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना और ऑल को ज़रूर सेलेक्ट करना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो YouTube पर अपलोड करें और उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप उसे देख सकें।